देखें, मामला जो है वो सब जुडिस है, इसके ऊपर मैं कोई अपनी ज़ाती राय जो है वो देने की पोजीशन में नहीं हूँ। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो केस के मेरिट्स के ऊपर जो है वो इंसाफ मिलेगा। देखें, इकॉनमी जो है वो बिल्कुल इस वक्त तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी है, और इन्होंने वो कहाँ गई वो टीम जो इमरान खान साहब कहते थे कि मेरे पास टीम भी है, मेरे पास बंदे भी हैं, हमें सब कुछ पता है कि हमने क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, हम तीन दिन में जो है वो सारे गैर मुल्की कर्जे जो है वो उतार देंगे, हम एक महीने में मुल्क से जो है वो करप्शन ख़त्म कर देंगे, हम एक साल में जो है वो 10 अरब डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे रेल पेल होगी, और जो है वो दुनिया बाहर से जो है वो यहाँ पे नौकरियाँ जो है वो तलाश करने के लिए आएगी, करोड़ नौकरी हम देंगे, 50 लाख हम घर देंगे। तो ये सारा फ्रॉड जो है ये अब जो है ये साबित हो चुका है कि ये झूठ था, कोई इनके पास प्लानिंग नहीं थी, कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं था, और ये किसी ऐसे एजेंडे के ऊपर इस मुल्क पे ऊपर मुसल्लत हुए हैं बदकिस्मती से कि इन्होंने इस मुल्क की जो आज़ादी है, कश्मीर की आज़ादी, इन्होंने इंडिया की झोली में डाल दी है, मोदी की झोली में डाल दी है, और अब उनके साथ ये तजारत भी करने जा रहे हैं। अगर मियां नवाज शरीफ जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड करने की बात करें तो ये गद्दारी है और ये मोदी से यारी है, और अगर अब ये जो हैं ये इंडिया से सब्जियां भी मंगवाएं, चीनी भी मंगवाएं, हर चीज़ जो है वो वहाँ से मंगवाएं, तो ये जो है ये कोई गद्दारी नहीं है। ये जो डबल स्टैंडर्ड जो है वो इस मुल्क में रवा रखा गया है, और जिस तरह से रखा गया है ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और लोग इसके ऊपर जो है वो हर आदमी जो है, क्योंकि आज मीडिया का दौर है, मीडिया जो है वो अपने एनालिसिस में जो हर चीज़ को वाजे कर रहा है, सोशल मीडिया हर चीज़ को वाजे कर रहा है, और लोग आज ये सवाल कर रहे हैं, और इनके तमाम वो जो इनके खताब और इनके जो दावे थे वो सुनाए जा रहे हैं, मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये आवाम को अवेयर कर रही है, एजुकेट कर रही है, और इसकी बुनियाद के ऊपर जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया है सिविलियन बारादस्ती का और वोट को इज्जत का और हर किसी को आइन के अंदर रहते हुए इस मुल्क और कौम की खिदमत करने का, वो जो है वो लोगों की समझ में आ रहा है कि क्यों 72-73 साल से हम भटके फिर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है, अगर ये कौम जो है वो आइन के रास्ते पर चलती, कानून के रास्ते पर चलती, तो शायद हम भी आज जो है वो बहुत सारी कौमों और या कम से कम इस खित्ते में तो हम सबसे आगे होते। हम इससे पहले जो है वो आज से 25-30 साल पहले हम इस खित्ते में सबसे आगे थे। वो मुल्क जो अब बहुत आगे जा चुके हैं वो यहाँ पे 90 की दहाई में हमारी इकॉनमी को स्टडी करने के लिए जो है वो आते थे। तो ये अब इकॉनमी जो है, इकॉनमी तो अब इनके इख्तियार में रही नहीं है, अब इन्होंने वो IMF के पास गिरवी रख दी है। अब इस मामले को चलाने के लिए अब हफीज़ शेख साहब को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मेन ऑफिस में जाके बैठेंगे और यहाँ से जो है वो हर चीज़ जो है वो कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये स्टेट बैंक जो है ये अब IMF को जो है वो दे चुके हैं। देखें, जो जिस तरह की नैब इंक्वायरीज कर रहा है, जिस तरह की FIA इंक्वायरीज कर रहा है, उन इंक्वायरीज की बुनियाद के ऊपर तो मैं किसी की भी अरेस्ट का जो है वो मुतालबा नहीं कर सकता, और मैं समझता हूँ कि जो है जो भी जिसके ख़िलाफ़ है उसे पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो अपना मेरिट के ऊपर जो है वो केस जो है वो पेश करे। ये सब जो है ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, जहांगीर तरीन भी वजूहात जो है वो जानते होंगे या PTI की गवर्नमेंट जानती होगी। जहांगीर तरीन का केस और खुसरो मुख्तियार का केस 1 and the same थिंग है, एक ही जो है वो उनके अंदर मेरिट है, एक ही तरह के हकायक हैं, एक जो है वो मिनिस्टर है,
दूसरा जो है वो ज़ेर अताब है। अब पता नहीं उससे कौन सी चीज़ मनवाना चाहते हैं, या वो हफीज़ शेख वाला जो उनकी जो शिकस्त हुई है उसमें जहांगीर तरीन का कोई अमल दखल तो नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने मदद नहीं की जिस तरह से ये चाहते थे, तो शायद उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। लेकिन मैं क्योंकि उनके केस के मेरिट से आगाह नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उसके ऊपर कोई हतमी राय जो है वो नहीं दे सकता। अच्छा, ये मरियम नवाज़ के बारे में चल रहा है कि वो मैडम इलाज के लिए बाहर जाना चाह रही है, इस हवाले में आप ज़रा क्लियर कर दें, ये फैल रही है किस तरह? देखिए, इस टोले का इलाज शुरू हो चुका है और इसके इलाज के लिए जो है वो हम सभी जो है वो जानते हैं कि इनका इलाज किस तरह से होगा, लेकिन मरियम नवाज साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज़ हैं इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरे घर से जाना पड़ा, तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग, तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है। लेकिन जब तक ये पीडीएम की पीएमएलएन की जदोजहद जारी है और जब तक इस मुसल्लत टोले से जो है इस मुल्क और कौम की नजात जो है वो रिक्वायर्ड है, उस वक्त तक वो इंशाल्लाह ताला पीएमएलएन और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है जदोजहद में पूरी तरह से शामिल रहेंगी और अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेंगी, इसके ऊपर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पिंडी के शैतान साहब भी जो है इस बात को नोट फरमा लें कि उनका इलाज भी बीच में ही है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो आपके इलाज के लिए यहाँ पे मौजूद है। देखें जी, पीडीएम जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड कर रही है, जो पीएमएलएन का पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, असूली इख्तलाफ है लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो सेनेट के बने हैं, वो हकूमती इतिहाद से 6 वोट लेके उन्होंने अपनी अक्सरियत जो है वो शो की है। अगर वो उन 6 लोगों को चलें, वो पहले हकूमती इतिहाद में थे, उन्होंने हकूमती इतिहाद में रहते हुए सजरानी साहब को वोट दिया, असूली तौर पे उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि अब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को जो है वो इलेक्ट करवाने के लिए दूसरी तरफ आ जाए। लेकिन चलो, अगर वो आ गए हैं और वो अपोजिशन में बैठे हैं, तो फिर 31 जमा 27 ये 58 लोग बनते हैं अपोजिशन में। गिलानी साहब जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो दायर करें और जो है वो सजरानी साहब को घर भेजते हैं, गिलानी साहब जो है वो चेयरमैन सेनेट बने, तो ये मसला जो है वो खुद हल हो जाएगा। लेकिन हमारा उनसे सिर्फ ये असूली इख्तलाफ है, कोई और हमारी उनके साथ कोई पीडीएम के जो वज़े करदा 26 नकात हैं उनके ऊपर किसी नुक्ते पे उनकी अपनी राय और हमारी राय हो सकती है, आर्गुमेंट हो सकता है, इसके अलावा कोई उनके साथ इख्तलाफ नहीं है। ये एक असूली मामला है, इसके ऊपर हमारा उनके साथ आर्गुमेंट है, दोनों तरह से साबित कर दें, या वो ये साबित कर दें कि ये 6 लोग जो हैं ये कौम हुकूमती इतिहाद का हिस्सा नहीं थे, या ये साबित कर दें कि ये वाकई अब अपोजिशन में आ गए हैं ताकि हम जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ और दोबारा से जो है वो गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाएँ।